दोस्तों, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग तुम्हारे हार का इंतजार कर रहे हो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे। अपने जीवन में सभी लोग अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, क्या कह रहा है सिंह राशि वालों का आज के दिन भाग्य? आज के दिन सिंह राशि वालों को कहाँ पर लाभ होगा और कहाँ पर सावधानी बरतनी है? तो दोस्तों, आज के दिन हम सिंह राशि वालों के दैनिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। यानी कि आज जो है 16 जून है और शुक्रवार का दिन है। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए ये कैसा साबित होगा, सब कुछ दोस्तों आज की इसी वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। आखिर आने वाला आज का दिन आपका कैसा व्यतीत होगा और आप लोगों को सावधानी कहाँ पर बरतनी है, सब कुछ दोस्तों डिटेल से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को आज का पंचांग क्या कह रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज का पंचांग 16 जून 2023 और शुक्रवार का दिन है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज जो है तृतीया तिथि है। नक्षत्र की बात करें तो आज जो है कृतिका नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:36 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। आज के दिन जो सूर्य उदय होगा वो जो है सुबह प्रातः काल 5:21 पर होगा। चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी आज के दिन वो जो है वृषभ राशि पर रहेगी। आज का जो अशुभ समय है वो जो है शाम के 4:05 से लेकर शाम के 5:03 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ कार्य न करें, नहीं तो आपके काम में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिंह राशि के राशिफल के बारे में। ये दोस्तों प्रश्न चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, जैसे कि आज के दिन आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ी आ सकता है, पेट से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसी के साथ साथ शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो इस समय आपका मन जो है पढ़ाई से इधर उधर भटक सकता है और आने वाले समय में आप जो है अपने पढ़ाई के प्रति फिर से जागरूक होंगे तो कुछ समय के लिए आपका मन भटक भी सकता है। जो जातक पढ़ाई कर चुके हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को आने वाले कुछ दिनों में ही नौकरी को सपोर्ट मिल सकता है। नौकरी आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में मिले या फिर सरकारी सेक्टर में मिले, आप लोगों को नौकरी मिलकर रहेगी। उसी के साथ साथ शिक्षा में आप लोगों को आगे कुछ परिवर्तन करना होगा। आप लोग अपने सोच विचार कर पढ़ाई करेंगे और जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे, तभी आप लोगों को आगे चलकर लाभ हो पाएगा। इसीलिए रिसर्च करना आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक होगा। किसी के कहने पर और किसी के बताए रास्ते पर आप अगर शिक्षा करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे तो आप लोगों को आगे चलकर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसीलिए पहले आप रिसर्च करें और तभी उस चीज में इंटरेस्ट करें। दोस्तों, अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी आने वाले कुछ ही समय में आप लोगों के घर पर किसी व्यक्ति की लग सकती है। जो जातक तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल को देखते हुए मेहनत कर रहे हैं, उनको आगे चलकर लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ जो जातक पैसों से रिलेटेड बहुत ही दिक्कतें खा रहे हैं तो आने वाले समय में उनके घर पर अचानक लाभ होने के चांस है। जैसे कि पैसा आप लोगों को मिल सकता है। जो लोग पैसे के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं उनको तब भी पैसा नहीं मिल पा रहा तो आने वाले कुछ समय में आप लोगों के घर पर अचानक पैसा एक्स्ट्रा में आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन उसी के साथ साथ आपके घर पर खर्चे भी उतने ही ज्यादा आ जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को अगर अपने आय को बचाना है तो खर्चों को कंट्रोल करना होगा और खर्चों को कम करना होगा, जिससे आपके आने वाले समय में आय की स्थिति सुधर सकेगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइए। लाइक करिए।